तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत दिनों के बाद आया, तो प्लीज़ माफ़ करना। अगर आप सफ़र आप कहीं घूमने जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हम पिकनिक पे जाएं मगर कौन सा फूड, कौन सा खाना हम साथ में ले जाए, ऐसे कंफ्यूजन में रहते हैं। और क्या सही खाना है हमारे स्वास्थ्य सेहत के लिए, हमारी सेहत तो नहीं बिगड़ी। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि आप कहीं घूमने जाते हैं, सफ़र में जाते हैं, तो ये सुपर स्पेशल ये फूड हम आपको बताने जा रहे हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो आगे कंटिन्यू। सैंडविच, आप कहीं बाहर सफ़र में जाते हैं तो आप आलू के सैंडविच ले जाते हो। आलू के सैंडविच से ये डर रहता है कि आपके सैंडविच ख़राब तो नहीं हो, तो आपको वेजिटेबल सैंडविच ले जाना चाहिए। ये ख़राब नहीं होगा और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ आप वेजिटेबल सैंडविच ले जा सकते हैं। फ्रूट चाट, अगर आप कहीं घूमने सफ़र में जाते हैं तो आप फल ले जा सकते हैं, मगर आपके फल ले जाने के बदले आप फ्रूट उसका फ्रूट चाट बना के ले जा सकते हो, और बहुत अच्छी डिश बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। और फ्रूट ले जाते हो तो फल ले जाते हो तो आपका आपके बच्चे और आप बोरिंग भी हो सकते हो, इसलिए आप फ्रूट चाट ले जा सकते हो। अगर आप सफ़र में जाते हैं तो आप वेजिटेबल चाट ले जा सकते हो, इसमें अंकुर चने ले जा सकते हो, उसमें आप खीरा और नींबू का रस मिला सकते हो, इससे आपका स्वाद और भी टेस्ट बन जाएगा, टेस्टफुल बन जाएगा और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप सफ़र में जाते हैं तो आप ड्राई फ्रूट लेना मत भूलिए, क्योंकि इससे खाते आपको ऐसा महसूस होगा और इससे आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा, और बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट है। तो आप प्लीज़ इसके बिना बिना आप भूले बिना आप ले जा सकते हो। अगर सफ़र पे जा रहे हैं तो चॉकलेट चॉकलेट तो ले जाए, क्योंकि ये चॉकलेट आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी है और आपके बिगड़े मूड को भी बना देती है। तो प्लीज़ चॉकलेट लेने जाना मत भूलिएगा, चॉकलेट ले जाइए, ज़रूर ले जाइए। और यही सफ़र में ये थोड़ी सी टिप्स थी, आपको पसंद आई तो प्लीज़ आपको ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके जाइए, और कमेंट को प्लीज़ लिखिए क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। जय हिंद, जय भारत।